अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद मिसबा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी, कीमा आलू मटर की रेसिपी। इसको बनाना बहुत आसान है, तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुकर में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी और 1 मोटी इलायची। तो चलिए इसको ऐड कर लेंगे और इसका हल्का सा अरोमा ऑयल में रिलीज़ होने देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 1 लार्ज साइज़ के अनियन को बारीक करके चॉप कर लिया था, इसको हम ऐड कर देंगे और इसको हल्का गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल में। जैसे ये हल्का सा ब्राउन सा होने लगेगा, हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के अराउंड अदरक लहसुन पेस्ट और इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे देखिए अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी क्रीमे को। मैंने इसको अच्छे से वॉश करके छन्नी में रख दिया था, इसमें से पानी वगैरह ना बहुत अच्छे से निकल चुका है। अब हम अराउंड मैंने 500 ग्राम कीमा लिया हुआ है और हम इसको अच्छे से भुनेंगे। देखिए यहाँ पे इसको इतना अच्छे से भुनना है कि इसका जो पानी जो होता है ना वो खुश्क हो जाए अच्छे से। यहाँ पे मैं ढक्कन ढक के 2 मिनट के लिए इसको कुक कर लूँगी अदरक लहसुन पेस्ट के साथ। यहाँ पे देखिए अच्छे से भुन चुका है अदरक लहसुन के साथ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ सूखे मसाले जो कि हुए, इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून के अराउंड रेड चिल्ली पाउडर और 1.5 टीस्पून के अराउंड हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून के अराउंड मैं इसमें ऐड कर दूंगी गरम मसाला पाउडर। इन सारी पाउडर मसालों को ऐड करेंगे और यहाँ पे 1/2 टीस्पून के अराउंड हल्दी ऐड कर देंगे और हंस भी ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। नमक बिल्कुल भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करें और बहुत अच्छे से हम यहाँ पर इसको मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। ये अच्छे से भुन जाए और इसमें हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। मैंने यहाँ पे 1 लार्ज साइज़ के टमाटर को बारीक करके चॉप किया है, इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से हम सारे मसाले वगैरह वगैरह टमाटर वगैरह और 3 से 4 मैंने हरी मिर्च भी ऐड कर लिया है इसमें और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। यहाँ पे देखिए अच्छे से ऑयल भी जो है सरफेस पे आया है। मैं 1 मुट्ठी के अराउंड इसमें मटर ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी 1 लार्ज साइज़ का पोटैटो को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको भी हम ऐड कर देंगे। बिल्कुल भी ऑप्शनल है पोटैटो, अगर आपको ऐड करना है तो कर ले वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छे से हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, 1/2 कप के अराउंड मैं पानी ऐड करूँगी ताकि आलू जो है ना मटर आलू वगैरह हल्का सा गल जाए। यहाँ पे मैं 1/2 कप के इतना ही ऐड करूँगी और इसको ढक लूँगी मैं, क्योंकि भुना बना रही हूँ तो मैं इसमें कम पानी ऐड करूँगी। अगर आप लिक्विड साइड पे बनाओगे तो थोड़ा पानी ऐड करके बना लें, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। ज़रूर से आप इसको एक बार ट्राई करें। आप इसको नान के साथ, पराठों के साथ, फुलकों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। हम यहाँ पर 2 सीटी लगाएंगे, 1 सीटी आने देंगे और दूसरा सीटी जो है भर जाए तो हम उसको बंद कर लेंगे, उसी में इसको रिलीज़ कर लेंगे। देखिए सीटी को जो मैं उसी में रिलीज़ करके गैस का फ्लेम जो है मैंने बंद कर दिया था और यहाँ पे देखिए बन के तैयार हुआ है बहुत अच्छे से। सिर्फ 2 सीटी में बन के तैयार हो गए, बहुत ही क्विकली बन के तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी। यहाँ पे देखिए आलू वगैरह भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट, ऊपर से हम गार्निश करेंगे हरा धनिया से। आप चाहें तो इसी स्टेज पर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर आपको आज की मेरी ये कीमा आलू मटर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नए हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं रोटी के साथ, नान के साथ, फुलकों के साथ, पराठों के साथ। आप इसको एंजॉय करें सहरी में, डिनर में आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिएगा, मैं मिलती हूँ एक अगली नई रेसिपी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।